नालासोपारा में बुलेट पर बैठकर ड्रग्स का धंधा, पुलिस ने दी नशीले पदार्थ की बिक्री करने वाले पर दबिश। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रू। नालासोपारा पुलिस ने बुलेट पर बैठकर नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार नालासोपारा पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच को उनके सूत्रों से जानकारी मिली कि एक व्यक्ति नालासोपारा पश्चिम के हनुमान नगर में बुलेट बाइक पर बैठकर नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहा है, जिसके बाद डिटेक्शन ब्रांच ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए हनुमान नगर पहुंचकर पूछताछ करते हुए व्यक्ति की तलाशी ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम अत्तेशाम उर्फ इत्तेशाम उर्फ शाम रफीक अंसारी है। पुलिस ने आरोपी के पास से 77.50 ग्राम मेफेड्रोन नामक ड्रग्स बरामद की है, जिसकी कुल कीमत लगभग 7,75,000 रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस व्यक्ति के पास से 1,40,500 रुपए नकदी पैसे भी बरामद किए हैं और साथ ही साथ बुलेट बाइक को भी जब्त किया है। फिलहाल यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस द्वारा इस पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।